हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आज मैं आपको ड्रैगन फ्रूट्स का जूस बनाना बताऊंगी और उसके फायदे बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। हम लोग शॉपिंग मॉल में आ गए हैं, अब चलते हैं फल और सब्जियों के स्टोर की तरफ। यहाँ पर हमें फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इजीली मिल जाते हैं। यह ड्रैगन फ्रूट्स बहुत हेल्दी होता है, इसका जूस और शेक आप जरूर बनाएं। यह फ्रूट जितना देखने में अट्रैक्टिव है उतना ही हेल्दी है। एक ड्रैगन फ्रूट्स हमें 79 रुपीज का मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हो। यह ड्रैगन फ्रूट हमें कई रोगों से बचाता है। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। ड्रैगन फ्रूट मीठा नहीं होता है, कुछ इसका टेस्ट कीवी जैसा होता है और यह दिल की बीमारियों से बचाता है, दिल को मजबूत रखता है, मधुमेह की बीमारियों से भी बचाता है। इसमें फाइबर होता है। ड्रैगन फ्रूट्स जो है कब्ज की बीमारियों से भी बचाता है, यानी पाचन को ठीक रखता है, मजबूत बनाता है। फेस पर झुर्रियाँ आने से बचाता है। पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह लीवर फैट को भी कम करने में मददगार होता है। प्रेगनेंसी में भी महिलाएं इसे कभी कभी खा सकती हैं, बच्चे को स्वस्थ रखता है। तो आपको जूस या शेक जो भी पसंद हो बना सकते हो। यहाँ पर हमने शुगर लिया है, अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हो तो हनी डाल सकते हो। दूध को हमने गर्म कर लिया है और यह ठंडा भी हो गया है। 4 से 5 इलायची को छीलकर इसका पाउडर बनाएंगे। शुगर फ्री बनाना है तो आप शक्कर की जगह हनी ले सकते हो, यह शुद्ध हनी है। हमने शक्कर लिया है इसलिए मैं थोड़ा सा हनी भी डालूंगी। ड्रैगन फ्रूट्स का पल्प रेड और वाइट दो तरह का आता है, हमें ज़्यादातर यहाँ पर वाइट वाला ही मिलता है। किसी किसी में इसके स्किन जैसा पल्प भी होता है तो हमें वाइट ही मिला। यह बहुत सॉफ्ट होता है, इसका पल्प इजली निकल जाता है। जो रेड कलर का पल्प आता है उसका जूस कलरफुल होता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप जैसा मीठा पसंद करते हो उसी हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और इसमें 1/2 ग्लास दूध डालेंगे। हनी भी डाल देंगे 2-3 चम्मच। इलायची पाउडर डालेंगे। जैसा आप गाढ़ा या पतला पीना चाहते हो उसी हिसाब से मिल्क डाल सकते हो। अब इसमें आइस क्यूब डालेंगे।
ग्लास में आइस क्यूब डालेंगे। आप चाहो तो आइस क्यूब की जगह इसके ऊपर से आइसक्रीम भी डाल सकते हो। थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे, यह ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ की कैंडी और सिल्वर बॉल्स। यह मीठी रेसिपी में बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन यह सब ऑप्शनल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, सबसे ऊपर वाली घंटी आल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अलविदा, ख्याल रखना, देखने के लिए धन्यवाद।